यौम सज्जाद पर अजादारों ने दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलकर किया मातम। तहफ़ुज़े अज़ा सोसाइटी की ओर से दरियाबाद में हुआ दहकते अंगारों पर मातम व तेज धार की छुरियों से लेस जंजीरों से पुश्तज़नी। हम हुसैनी लिए होंठों में अलमगाजी का, शान से चलते हैं जलते हुए अंगारों पर। शहादत इमाम हुसैन के बाद बीमारे करबला व चौथे इमाम जैनुल आबेदीन को होंठों में हथकड़ी व पैरों में बेलियां व गले में खारदार तौक डालकर जो अजियत लश्कर यजीदी ने दी थी उसकी याद में माह मुहर्रम की 25वीं को दरियाबाद में तहफ़ुज़े अज़ा सोसाइटी की ओर से इमामबाड़ा नवाब बेगम बड़ा घर के विशाल मैदान में दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलकर मातम किया गया। नजीब इलाहाबादी के संचालन में नायाब बलियावी ने पेशकवानी तो दिल्ली के मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद नजर मोहम्मद जैनबी साहब किबला ने शहादत ए इमाम ए जैनुल आबेदीन पर लाए गए जुल्म सितम की दास्तां बयां की। इमाम जुमा सैयद हसन रजा जैदी साहब किबला की सदारत अध्यक्षता में खतीब अहले बैत अशरफ अब्बास खान ने तकरीर की। मेहदी हसन ने खुसूसी नौहा पढ़ा। बड़ा घर सहित मैदान की सभी लाइटों को बुझाकर मोमबत्ती की रोशनी और लोहबान की धुनी में ताबूत इमाम जैनुल आबेदीन निकाला गया। वहीं गाजी अब्बास का अलम मुबारक भी साथ साथ रहा। नौजवान होंठों में लाल हरे झंडे लहराते हुए जुलूस की शक्ल में दहकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर मातम करते रहे। वहीं अंजुमनों के सदस्यों ने एक साथ तेज धार की छुरियों से लैस जंजीरों से पुश्तज़नी की। आयोजक व तहफ़ुज़े अज़ा सोसाइटी के सदस्य यासिर सिबतैन के अनुसार 200 रुपए की मोमनीन की काटी गई रसीद का कुर्रानदाजी से तीन नाम निकाले गए जिन्हें इराक व ईरान में रोजों की जियारत को भेजा जाएगा। वहीं दूसरा बड़ा आयोजन चक जीरो रोड पर इमामबाड़ा डिप्यूटी जाहिद हुसैन में हुआ जहाँ फैजान आबदी ने सोज व मरसिया पढ़ा तो अम्बेडकर नगर के अर्शी रिजवी ने पेशकवानी की। मौलाना आमिरुर रिजवी ने मजलिस को खिताब किया। शबीह ताबूत इमाम जैनुल आबेदीन की जियारत के साथ अंजुमन गुचा ए कासिमिया बख्शी बाजार अंजुमन अब्बासिया रानी मंडी व अंजुमन मुहाफिज़े अज़ा दरियाबाद ने नौहों व मातम की सदाएं बुलंद की। अर्शी रिजवी अम्बेडकर नगर ने खुसूसी नौहा भी पढ़ा। अंजुमन इमामिया चक के सदस्यों ने तेज धार की छुरियों का मातम किया। शम्स नगर करली में शहादत इमाम जैनुल आबेदीन अलैहिस्सलाम पर सैयद वकार हुसैन के अजाखाने पर मजलिस आयोजित की गई जिसमें फैज जाफरी ने सोजखवानी तो खतीब अहले बैत रजा अब्बास जैदी ने शहादत का वर्णन किया। अंजुमन अब्बासिया रानी मंडी ने नौहा व मातम का नजराना पेश किया। शबीह ताबूत की जियारत भी कराई गई। फातमा वेलफेयर सोसाइटी के स्वास्थ्य शिविर में अजादारों को दी गई मुफ्त चिकित्सा सुविधा व दवाइयां। तहफ़ुज़े अज़ा सोसाइटी दरियाबाद की ओर से आयोजित अंगारों पर मातम कार्यक्रम में फातमा वेलफेयर सोसाइटी व नाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से लगे निःशुल्क चिकित्सा शिविर में लगभग 650 लोगों की डॉक्टर जमशेद अली जनरल मेडिसिन व डॉक्टर नावेद शेख जनरल मेडिसिन ने जाँच उपरांत मुफ्त दवाइयाँ भी दी तो वहीं मरीजों का ब्लड प्रेशर व शुगर की जाँच भी मुफ्त की गयी। शिविर को संचालित करने में मैनेजर अरसलान खान सैयद मोहम्मद अस्करी जीशान हुसैन व नितिश तिवारी आदि द्वारा सहयोग किया गया। पार्षद फसाहत हुसैन यासिर सिप्तन नजीब इलाहाबादी मशहद अली खान आदि शामिल रहे। खबर जगत के लिए एल एन सिंह की रिपोर्ट। जितने ये अहमाद की अदब नवाज है मातमदारा ने सब मिलकर इस बच्चे के साथ मातम करेंगे वहीं से ताबूत बरामद कराएंगे आप और उसके बाद सब मिलकर उस ताबूत में दुआ होगी जंजीर का मातम होगा अंगारे का मातम होगा और उसके बाद कुरानदाजी। तो आइए उस ये आ रही है सदा जुल्म की चट्टानों से सभी जीत गया शाम के जवानों से सिपाही शाम से असगर ने कह दिया हंसकर तुम्हें खबार हो उलझो ना आसमानों से। और मंजर को याद कीजिए कि मैदान करबला का है मंजर लहू लहू लाशें पड़े हुए हैं बहुत सब लहू लहू। उसके पहले हजरत इमाम हुसैन एक छोटे बच्चों को लेकर आए हैं और चलती हुई जमीन पे लेटा दिया। उस मंजर को सब मौलाना साहब बयान करेंगे। अब उसी मंजर को लेकर बच्चा जो है क्योंकि वक्त बहुत कम है हाजिर हो रहा है आपसे हाथ जोड़कर गुजारी से मौला का वास्ता कि जब बच्चा जब पढ़ेगा खाली आप इसका साथ दे दीजिएगा वहीं से जैनबी साहब को मौका मिल जाएगा। आइए हम इनको छोड़ के जा रहे हैं बच्चा हाजिर है इनको छोड़ के जा रहे हैं वापस घर पहुंचा दीजिएगा आप बता दीजिए Yeah.
देगी मुझको दिन बहुत ज्यादा करे